पता है 2015 में मैंने बहुत उम्मीदों से जीशॉक में अप्लाई किया था, बट मैं फेल हो गया था। तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों से अब सीख चुका हूँ। एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ माय फेलियर वाज कि मेरे पास कोई सीनियर नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि हर स्टेप पे कि क्या करना है, कैसे करना है। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस करो, इसके लिए मैंने बहुत सारे जीशॉक पार्टिसिपेंट से बात की और उनसे पता किया कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, क्या सीक्रेट्स हैं, सब मैं इस वीडियो में आपको समराइज करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट सेलेक्टिंग द राइट ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो ऑफिशियल लिस्ट होती है ना जीशॉक की ऑर्गेनाइजेशंस जब आते हैं वो ये वाली होती है, बट आपको सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करना है, एक और लिस्ट है जो मैं आपको दिखाता हूं। आपको जाना है ये वाली वेबसाइट पे, आप यहां पे देख सकते हो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लिस्टेड हैं और यहां पे आप इनको फिल्टर भी कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी वाली है, डेटा वाली ये है, डेवलपमेंट टूल्स वाली ये है, मीडिया वाली ये है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा आप उसमें जाके सर्च कर सकते हो। देन आप देख सकते हो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, तो अगर आपका पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप पाइथन वाली सेलेक्ट कर सकते हो, जावा में है तो जावा वाली कर सकते हो। देन अगेन टॉपिक्स, वेब, मशीन लर्निंग, क्लाउड, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी इंटरेस्ट की बात। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पे ध्यान देनी है, दैट इज जब भी आप कोई भी ऑर्ग सेलेक्ट कर रहे हो तो आप यहां पे पिछले 3 साल का फिल्टर लगा के रखो, तो इससे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रेगुलरली आ रही हैं। तो अगर आप ये पिछले 3 साल का फिल्टर लगा दोगे तो ये सब ऑर्ग्स यहां पे आ जाएंगी। तो इन ऑर्ग्स में अप्लाई करना काफी सेफ रहता है क्योंकि आपको पता है कि ये आने वाली हैं। हो सकता है आप पहले ही ऐसी किसी ऑर्ग में जाके कंट्रीब्यूट करने लग जाओ, आप 3-4 महीने उसमें लगा दो और उसके बाद वो आए ही ना, उसमें जीशॉक की लिस्ट में आए ही ना, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। एंड जब आप कंसिस्टेंट ऑर्ग सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑर्ग्स में जाना है, आपको यहां पे क्लिक करना है। लेट्स से हम इसमें गए सीसी एक्सट्रैक्टर डेवलपमेंट, तो यहां पे आके आपको दिख जाएंगे कि हर साल कितने कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं। 2017 में 6 प्रोजेक्ट्स आए हैं, 2018 में 6, 2019 में अराउंड 10 आए हैं, तो ऐसे ऐसे काफी हाई रह रहे हैं, लाइक 7-8 के ऊपर रह रहे हैं। तो आपको ऐसे ऑर्ग सेलेक्ट करने हैं जिसमें एटलीस्ट 4-5-6 इतने प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं, तभी जाके आपका चांस बनेगा कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर किसी ऑर्ग में सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट ही आ रहे हैं तो काफी कम चांसेस रहते हैं कि आप सेलेक्ट उसमें होगे। एंड मुझे मेरे टाइम पे ऐसे किसी टूल के बारे में नहीं पता था, मैं पूरा टाइम लगा रहता था कि उस ऑर्ग के बारे में जाके पहले पढ़ना कि वो क्या करते हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं काफी डिटेल में लगा रहता था, बहुत टाइम वेस्ट इसी में हो गया। तो जिसने भी ये वेबसाइट बनाई है बहुत ही टाइम सेव किया है लोगों का, बहुत ही यूजफुल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक करो। एंड अनदर थिंग जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने में गलती की, दैट इज जो मैंने ऑर्ग सेलेक्ट किया वो काफी ना ऐसा कोर टाइप का ऑर्ग था, लाइक जो उसमें काम था वो काफी कोर था, कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो वाला काम था, C++ में, तो काफी वो कोर टाइप का काम हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे ऑर्ग्स में काम करना चाहिए जिसमें ना ऐसा वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स में काम होता हो, क्योंकि उनमें काम करना बहुत ईजी रहता है, बैक एंड में, फ्रंट एंड में, और जैंगो, नोड, ये सब फ्रेमवर्क यूज हो रहे हो तो काफी ईजी रहता है। कोर वाले आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उसमें जनरली रिसर्च वाला भी काम होता है और बीटेक वालों को थोड़ा इतना रिसर्च का आइडिया इतना नहीं होता। अब मैं बताऊंगा कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू अवॉइड। तो पहली बात तो ना, जो आपको मशीन लर्निंग, AI ये वाले जो ऑर्ग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि मास्टर्स वाले, PhD वाले, ये लोगों को लें क्योंकि उनको काफी नॉलेज होता है, उन लोगों ने काफी रिसर्च का काम किया है जो कि बैचलर्स वाले लोगों ने नहीं किया। तो जो इस टाइप के ऑर्ग्स हैं जैसे मशीन लर्निंग वाले हो गए, ML4 Psi ये हो गया, तो इस टाइप के आप ट्राई करो कि अवॉइड ही करो, क्योंकि मोस्टली मास्टर्स और PhD वाले लोग ही जाएंगे ऐसे ऑर्ग्स में। एंड अगेन जैसा मैंने बोला, जो कि फ्रेमवर्क बेस्ड जहां पे काम होता है आप ट्राई करो कि उसमें आपका हो जाए, उसमें आप जाके कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा इजी रहेगा उसमें कंट्रीब्यूट करना। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे ऑर्ग्स भी होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपको ना कंट्रीब्यूट करना बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है, कि आपको अराउंड 1 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ी आपकी वहां पे जान पहचान बनती है, थोड़ा आपका नाम बनता है, फिर जाके आपको वो फाइनली जीशॉक वाला प्रोजेक्ट देते हैं। तो आप ट्राई करो कि ऐसा भी अवॉइड ही करो, कि अगर आपके पास अभी 1 साल नहीं है तो आप ऐसे किसी ऑर्ग में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट मत करो। तो इसी से मुझे नेक्स्ट मिस्टेक याद आई, दैट इज स्टार्टिंग लेट। देखो आपको ना बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट नहीं करना है, आपको जाके दिसंबर, जनवरी उसमें स्टार्ट नहीं करना है जैसी गलती मैंने की थी। आपको क्या करना है, अक्टूबर नवंबर के अराउंड ही स्टार्ट कर देना है। और आपको स्टार्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले जब आप ऑर्ग सेलेक्ट कर लोगे जैसा मैंने स्टेप 1 में बताया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाके उस ऑर्गेनाइजेशन के स्लैक पे या डिस्कॉर्ड पे जो भी उनका है उसमें जाके बोलो माय नेम इज दिवांशु, जो भी आपका नाम है, मतलब दिवांशु मत बोलो, जो भी आपका नाम है आप जाके इंट्रोड्यूस करो। आप वहां पे बताओ कि मैंने ये काम किया है, मेरे ये स्किल्स हैं, तो मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जब आप ये मैसेज डालोगे, इंट्रोड्यूस करोगे
करोगे तो आपको वो या तो ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा या फिर लोग एक वो लिस्ट दे देंगे कि ये ओपन इश्यूज हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो और कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन से आप इश्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स से हम इस ऑर्ग के लिए देखते हैं जिसका नाम है द पैलेसिडोस फाउंडेशन। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इनके ईमेल मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स मिल जाएंगे, तो ये वाला जाके स्लैक पे रिडायरेक्ट होगा, तो ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे ना हम इनके गिटहब पे आ जाएंगे। अगर आप गिटहब पे आओगे उसके बाद आप जाके देखोगे कुछ यहाँ पे एक इश्यूज़ वाला टैब होगा, उसके अंदर ना कुछ इश्यूज़ होंगे जिन पे मार्क्ड होगा गुड फर्स्ट इशू। यहाँ पे जैसे देखो इस पे है, इस पे है, इस पे है, तो ये गुड फर्स्ट इशू है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इस रिपोजिटरी में कॉन्ट्रीब्यूट करना, इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करना, देन दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो आप ऐसे इशूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और आप ट्राई करो कि आप ना ऐसा एक दो हफ्ते में, तीन हफ्ते में 3 से 4 ऐसे इशूज़ को सॉल्व कर दो और PR मतलब पुल रिक्वेस्ट आप बना दो, तो इससे आपका काफी वहां पे कंट्रीब्यूशन दिखने लग जाएगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे, लोगों को पता लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हो और काम करना चाहते हो। जल्दी स्टार्ट करने का फायदा ये भी है कि उसके बाद क्या होगा कि काफी जो नए लोग आएंगे जो लेट स्टार्ट करेंगे आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनकी सेटअप करने में हेल्प कर सकते हो, आप उनकी इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो, तो आपका और वहां पे जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगा कि हाँ ये बंदा खुद भी काम कर रहा है और दूसरों की भी हेल्प कर रहा है और ये काफी मतलब सीजनड हो गया हमारे प्रोजेक्ट में, उसको अच्छा नॉलेज हो गया हमारे प्रोजेक्ट का। तो आप दूसरों की हेल्प करते रहो और आप क्या करो कि जो भी प्रोजेक्ट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अगर वेबसाइट है, जो भी ऐप है, तो आप उसको ना चला के देखते रहो, आप उसको यूज करके देखते रहो, आपको ना उसमें बहुत सारे बग्स मिलते रहेंगे क्योंकि ओपन सोर्स है, इतना भी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ बग्स तो मिलते ही रहेंगे। तो आप जाके वहां पे इश्यूज को रेज कर दो उनके गिटहब में कि मुझे ये बग मिला, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और खुद ही सॉल्व करने लग जाओ, तो उससे आपको और वहां पे कंट्रीब्यूशन दिखेगा। एंड और आप क्या करो, जो लास्ट ईयर जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था जीसॉक के लिए, आप उनसे बात करते रहो कि उन लोगों ने कैसे किया था, उनसे टिप्स लेते रहो, उनसे थोड़ा कनेक्शन बना के रखो। एंड यहाँ पे एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि सब ऑर्गेनाइजेशंस के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो जो एक्चुअली जीसॉक में जाने वाला है। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में करते रहे जो जीसॉक में जाने ही नहीं वाला, तो उसका कुछ फायदा होगा ही नहीं। तो लेट्स से यहाँ पे ये वाला जो प्रोजेक्ट है तलावा एडमिन तलावा API, तो ये जो टॉप के 3 प्रोजेक्ट हैं इस स्पेसिफिक और के, ये तीनों ही जीसॉक में जाते हैं, ये चौथा वाला नहीं जाता। तो अगर आप इस चौथे में कंट्रीब्यूट करते रहे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको वहां लोगों से पूछ के या जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख के आपको पता करना है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जीसॉक में जाने वाले हैं। एक और मैं यहां पे आपको बोनस टिप देना चाहूंगा कि आजकल हैक्टोबर फेस्ट चल रहा है, तो आप जाके उसमें भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका वहां पे जाके कनेक्शन बने, लोग आपको जानने लग जाएं। एंड नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस। देखो हर प्रोजेक्ट की ना गिटहब पे कोई भी प्रोजेक्ट हो और ऐसा अगर ओपन सोर्स बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके कुछ ना कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस रहते हैं, तो आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप खुद ही वहां पे कुछ ना कुछ करने लगे तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आपके कोड को मर्ज भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखोगे तो यहाँ पे आपको एक contributing.md मिलेगी, उसमें आपको बताया गया होगा कि कैसे कैसे आपको कंट्रीब्यूट करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि आप वहां पे जाके कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ टाइम पास करने लग गए, आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस यहां पे बताया होगा, पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करनी है वो बताया है, ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे ब्रांचेस बनानी है वो बताया है, और कोड कंट्रीब्यूट कैसे करना है वो भी बताया है, कैसे कोड जो है वो सेटअप करना है, कैसे उसको सर्वर को रन करना है वो भी यहां पे बताया हुआ है। और ये भी आपको बताया हुआ है कि जो भी आप कोड पुश करोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भी आप कोड पुश करते हो सभी और चाहती हैं कि आप उसमें टेस्ट केसेस भी लिखो, आप टेस्ट कवरेज उसका बढ़ाओ, तो आपको टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही कोड पुश करते रहे तो शायद आपका कोड वो लोग मर्ज भी ना करें और आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं बनेगा। तो ये देखो जैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है टेस्ट कोड कवरेज के बारे में और कैसे कोडिंग स्टाइल के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे आपको फील्ड्स के नेमिंग देनी है, कैसे कैसे करना है, वो सब भी इसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे एक और बोनस टिप है जो मुझे किसी ने बताई थी, कई बार क्या होता है ना कि हम ज़्यादा एंथम में आके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, हम हफ्ते में 4-4, 5-5 PR निकालने लग जाते हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है ना कि यार ये बंदा ना जीसॉक के उससे नहीं आया पर्सपेक्टिव से, ये बंदा वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये बंदा इसीलिए करता रहता है, तो अगर इसको हम जीसॉक ना भी दें
अगर इसको ना भी दें तो भी ये लगा रहेगा, तो वो लोग उसको फाइनली जीसॉक देते ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आप थोड़ा लिमिट में ही कंट्रीब्यूट करो, लाइक 2 वीक में 4 PR, दैट इज इनफ। देखो जो ऑफिशियली लिस्ट आती है प्रोजेक्ट आइडियाज की, वो अराउंड फेब एंड में आती है या मार्च स्टार्टिंग में आती है, बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऑर्ग्स अपने स्लैक पे या अपने डिस्कॉर्ड पे अनऑफिशियली ही लिस्ट पहले निकाल देते हैं, तो आपको ना काफी वहां पे एक्टिव रहना है, आपको चेकआउट करते रहना है स्लैक पे कि क्या चल रहा है, आइडियाज की लिस्ट आई या नहीं आई, तो वो सब आपको देखते रहना है। और कई बार क्या होता है कि जैसे किसी और का ये आइडियाज वाला पेज है और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से समर ऑफ कोड 2023, या तो ना आप यहाँ पे चेक करते रहा करो, यहाँ पे आप 2024 डाल के देख लो, कई बार होता है आपको दिख जाता है, मतलब इस केस में नहीं दिख रहा बट ऐसे केसेस होते हैं कि वहां पे आपको दिखने लग जाता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट कनेक्टिंग विद योर मेंटोर। देखो आपको ना आपके मेंटर से कंसिस्टेंटली बात करते रहना है, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, आपको बताना है कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ऑर्ग में, आपकी क्या आइडियाज हैं, आपने क्या बग्स ढूंढे, सब कुछ जो भी आपके दिमाग में है आपको उसको बताना है। मतलब ओवर शेयर भी मत कर देना, ज्यादा पर्सनल डिटेल्स में मत चले जाना, बट काम के बारे में आपको बातें उनसे करते रहना है। समझ रहे हो? आप अपना पुराना काम दिखाओ, आप दिखाओ कि मेरे ये स्किल्स हैं, तो आप उनसे कनेक्टेड रहो, और जब भी आपका प्रपोजल भी बनाओगे तब आपको कनेक्ट उनसे रहना ही पड़ेगा। और अब प्रपोजल की भी बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट मिस्टेक है, इनइफेक्टिव प्रपोजल। देखो कुछ लोग ना क्या करते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स बना के दे देते हैं, 3 की मैक्सिमम लिमिट होती है और वो 3 ही बना के दे देते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप 1 ही बनाओ और वो अच्छे से बनाओ, क्योंकि प्रपोजल लिखने में बनाने में देखो बहुत टाइम लग जाता है, और उसको परफेक्ट करने में, मल्टीपल रिविजन्स करने में, उसको इम्प्रूव करने में काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आप 3-3 बना के डाल दोगे तो आप किसी पे भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे और आपका हर जगह कट जाएगा। एंड प्रपोजल में भी देखो आपको सिर्फ एंथू नहीं दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना हाँ भाई मैं बहुत एंथू है मेरे में, मैं कर दूंगा, आपको क्या करना है, एक प्रूफ ऑफ वर्क भी देना है। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कि आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसका 10-20% थोड़ा एक वर्किंग मॉडल टाइप आपको बना के देना है, ताकि उनको लगे कि हाँ ये बंदा कुछ तो कर सकता है, इसने इतना तो बना ही लिया है, आगे का भी बना ही लेगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। और आप प्रपोजल बनाना अराउंड फेब में ही स्टार्ट कर दो, जब भी आइडियाज की लिस्ट आ जाए तब आप स्टार्ट कर दो बनाना, और आपके जो मेंटर है उसे मल्टीपल टाइम्स आप रिव्यू करवाओ, देखो ये ऐसा बना लिया, फिर वो कुछ चेंजेस बताएंगे, उस फिर आप इंप्रूव कर दो, फिर वो कुछ बताएंगे आप इंप्रूव कर दो, तो ऐसा 2-3 बार में परफेक्ट होने में टाइम लग जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उसमें आप टाइमलाइंस देते हो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कुछ भी लिख दिया एंथू में हाँ भाई मैं 1 महीने में ये कर दूंगा। वो आपके ऑर्ग वालों को समझ जाएगा कि भाई इतना काम तो नहीं होने वाला 1 महीने में, और वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर। एंड आपको एक मैं लिंक भी देता हूँ जहाँ पे ना बहुत सारे सैंपल प्रपोजल्स पड़े हुए हैं जो कि एक्सेप्टेड वाले हैं, आप जाके वो देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसा कैसा करना है। देखो ये एक गिटहब लिंक है जहाँ पे 2021-2023 के बहुत सारे एक्सेप्टेड वाले प्रपोजल्स पड़े हुए हैं, आप जाके ये चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट फॉलोइंग टाइमलाइंस। तो अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो पहले क्या होता है, एक मिड टर्म इवैल्यूएशन होता है, तो अगर आपने उसमें बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पहले सेट कर दी थी, बहुत टाइमलाइंस ऐसी दे दी थी और आप पूरा नहीं कर पाए मिड टर्म तक, तो आपका प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, आपको कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिलता उसमें और ना ही कोई सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोजेक्ट उधर ही खत्म हो जाता है। एंड जो फाइनल इवैल्यूएशन भी होता है उसमें भी अगर आपने बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी और आप काम कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको सर्टिफिकेशन उसका नहीं मिलता है और आपका प्रोजेक्ट आप कहीं भी मेंशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो भी आप टाइमलाइंस दे रहे हो वो बहुत ही रियलिस्टिक दो। एंड देखो जीसॉक से भी ज्यादा पे करने वाले बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय, सी यू सून।